ऐसे में जब हम अपने मुल्क को देखते हैं तो यहां मुसलमान दो हैसियत रखते हैं। मजमूई तौर पर हम अकलियत में हैं, एक हैसियत हमारी यह है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम दूसरी बड़ी अक्सरियत है, अकलियत नहीं है। सिर्फ अकलियत नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अक्सरियत है। तो मजमूई तौर पर हम अकलियत में हैं और मकामी तौर पर कहीं अकलियत में हैं और कहीं अक्सरियत में हैं। जब हम ये देखते हैं कि जहां हम अक्सरियत में हैं उनको अगर टोटल किया जाए तो वो 3,40,00,000 तादाद बनती है। 2011 के सेंसस के एतबार से मकामी तौर पर अक्सरियत वाले मुसलमानों की तादाद को टोटल अगर किया जाए तो 3,40,00,000 होती है। और मकामी तौर पर भी अकलियत में जो है मुसलमान वो 14,20,00,000 है। 22% मुसलमान मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहते हैं और 78% मुसलमान गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहते हैं। दोनों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, दोनों के इश्यूज अलग हैं। मुसलमान जिम्मेदारों को, उलमा को, सियासतदानों को, दानिशवरों को जब भी कोई फैसला करे, चाहे एक्शन का हो और चाहे रिएक्शन का हो, दोनों हालतों को सामने रख करके, दोनों के इश्यूज को सामने रख करके फैसला करना चाहिए। खाली मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहने वाले मुसलमानों के लिहाज से नहीं किया जाना चाहिए। ये एक मैं दरखास्त करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सारे लोग मौजूद हैं और ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म में अल्लाह ताला ने मेरे बस से बचाए, हिफाजत फरमा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात वही फिर जो सब लोगों ने कही है, हजरत मौलाना हमारे अमीर जमीयत अहले हदीस हिंद ने जो बात फरमाई, सैयद साहबतुल्लाह हुसैनी साहब ने जो बात फरमाई, वो एक बात दोनों हजरात के उसमें है और हजरत सदर साहब के खुतबे सदारत में भी है कि इस्तकामत के साथ, मजबूती के साथ डट जाना और ये समझ कर के काम, वही बात को मैं दोबारा कह देता हूँ, ये समझ कर के काम को करना कि ऐसा ना हो कि जो हमारा मुखालिफ करवाना चाह रहा है हमसे, हम भी वही करते चले जाए। जजाकल्लाह, शुक्रिया।